शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, शर्म आनी चाहिए बाबर आजम तुम्हें, मोहम्मद रिजवान तुम्हें और इन तमाम घटिया खिलाड़ियों को। अब वक्त आ गया है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को टीम से निकालकर फेंका जाए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो जगह छोड़ नहीं रहे, नए खिलाड़ियों को आने नहीं दे रहे और आज इन्हीं की वजह से हमें अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड से जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मतलब वो इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान को 823 रन मार के चली गई, दूसरे इनिंग में पाकिस्तान क्या करके जा रहा है, 220 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। अबे ये तुम लोगों की कारकर्दगी है, इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो? अबे ये मुल्तान की सड़क पिछती, यहाँ तो स्कोर कर जाते, जहाँ इंग्लिश खिलाड़ी 300 रन बना के जा रहे हैं वहाँ दुनिया का घटिया तरीन बैट्समैन बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है ये पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों के लिए। एक वक्त था जब सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था, वही सरफराज अहमद जिसके साथ ज्यादती की गई उसको टीम से निकाला गया, कप्तानी से हटाया गया, और सरफराज अहमद को जब से निकाला गया तब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीचे से नीचे आती चली गई। अब भी वक्त है सरफराज अहमद को वापस लाओ, सरफराज अहमद को टीम का कप्तान बनाओ और बोलो कि सरफराज भाई इस टीम का हाल कुछ ठीक कर दे, क्योंकि ये टीम तबाह बर्बाद हो गई है। क्या हाल कर दिया यार तुम लोगों ने, बांग्लादेश से तुम लोग हार रहे हो, वर्ल्ड कप में अमेरिका से तुम लोग हार रहे हो, आयरलैंड से तुम लोग हार रहे हो, जिम्बाब्वे से तुम लोग हार रहे हो, सिर्फ हार हार देखने को मिल रही है। एक अरसा हो गया कि हम इस टीम के लिए वीडियो बनाए कि मुबारक हो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन ये टीम जीतने का नाम ही नहीं ले रही है यार।